इस वीडियो में आज हम मखाने की दो प्रकार की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। एक तो बनाएंगे खट्टा मीठा स्पाइसी बहुत ही मज़ेदार मखाना नमकीन चूड़ा, और दूसरी बनाएंगे मखाने की एकदम क्रिस्पी वाली स्वीट रेसिपी। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मखाने को यहाँ पर मैंने दो बाउल में अलग अलग निकाल लिया है। थोड़े छोटे छोटे मखाने को एक बाउल में निकाला है और थोड़े बड़े मखाने को दूसरे बाउल में निकाल लिया है। अब बड़े मखाने से हम नमकीन रेसिपी बनाएंगे और ये छोटे वाले मखाने से स्वीट रेसिपी बनाएंगे। पहले हम नमकीन रेसिपी बनाएंगे। तो गैस पर मैंने कढ़ाई गरम करने को रख दी है। अब इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच घी और घी को गरम होने देंगे। घी गरम होने के बाद इसमें डाल देना है बड़े वाले मखाने और गैस की फ्लेम को भी लो कर लेना है और अब इसको क्रिस्पी होने तक चलाते हुए भून लेना है। लगातार चलाते हुए मखाने को भूनना है, नहीं तो यह नीचे के साइड से जल सकते हैं। मखाने को भूनने के पहले 2 घंटे धूप में सुखा लेंगे तो मखाने जल्दी भुने जाते हैं। मैंने यहाँ पर मखाने को 2 घंटे धूप में सुखा लिया था। अब इसको लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भून लेना है। बस इस तरह एकदम मखाने क्रिस्पी हो जाने चाहिए। अब मखाने को रख देंगे साइड में और बाकी की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ एक बाउल में ली है 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। मैं यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। पहले इस तरह सूखे मसाले एक बाउल में निकाल लेना है। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर। मखाने की तासीर ठंडी रहती है, इसलिए 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। स्पाइसी के साथ साथ इसको खट्टा मीठा भी बनाएंगे, तो 1 चम्मच डाल देंगे पीसे वाली शक्कर और 1/2 चम्मच नींबू सत्व। मखाने को निकाल के मैंने कढ़ाई को फिर से गर्म करने को रख दिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 बाउल मूँगफली और मूँगफली को चलाते हुए क्रिस्पी होने तक अच्छे से भून लेना है। मखाने का यह नमकीन चूड़ा टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी बहुत बनता है। बस इस तरह मूँगफली को अच्छे से भून लेना है। और अब मूँगफली भुनने के बाद इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले और सूखे मसालों को हल्का हल्का भून लेना है। और अब इसमें ऐड करेंगे भुने वाले मखाने और मखानों को अब मूँगफली और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को बंद कर देना है और मखाने को मूँगफली और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले पूरे मखाने को अच्छे से लग जाने चाहिए। इस तरह पूरे मखाने के ऊपर मसाला चिपक जाना चाहिए। आप देख सकते हैं बढ़िया सा हमारा मखाने का नमकीन चूड़ा तैयार है। इस मखाने के नमकीन चूड़े को आप उपवास में भी खा सकते हैं और साथ साथ यह हमारे शुगर और कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत फायदा पहुँचाता है। आइए अब बनाएंगे मखाने की एकदम क्रिस्पी और टेस्टी वाली रेसिपी। मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करने को रख दिया है। इसमें डाल देना है 2 बड़े चम्मच घी और घी को गर्म होने देना है। घी गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे छोटे वाले मखाने और मखाने को चलाते हुए क्रिस्पी होने तक अच्छे से भून लेना है। ऐसे मखाने को मैंने धूप में सुखा लिया था, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरह लगातार चलाते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक मखाने को भून लेना है। हाथ में लेके तोड़ने से मखाने टूट रहे हैं, तो मखाने अच्छे से भून चुके हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। मखाने को कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे 1 बाउल गुड़ का चूरा। गुड़ का चूरा करके ही डालना है। और अब गुड़ को लगातार चलाते हुए मेल्ट होने देना है। यहाँ गैस की फ्लेम को भी लो कर लेना है। गुड़ को लो फ्लेम पर ही मेल्ट करना है। अगर आप इसको फुल फ्लेम पे मेल्ट करेंगे तो गुड़ आपका जलने लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसको लगातार चलाते हुए गुड़ की कड़क कड़क चाशनी बना लेना है। जैसे ही गुड़ की चाशनी बनना चालू हो जाती है, गुड़ के ऊपर बबल्स आना चालू होते हैं और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं गुड़ के ऊपर अच्छे से बबल्स आ गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे पानी में डाल के भी चाशनी को चेक कर सकते हैं, पर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब
इसमें डाल देना है भुने वाले मखाने, और मखाने को अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लेना है। आप गुड़ की जगह शक्कर की चाशनी बना के भी यह मखाने का स्वीट बना सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। बस इस तरह मिक्स कर लेना है पूरे मखाने को, चाशनी अच्छे से लग जानी चाहिए। आप गैस को भी हम बंद कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो यह एक दूसरे को चिपक जाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, यह स्वीट मखाने खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चे भी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। गैस को बंद करने के बाद भी मखाने को चलाते रहना है जब तक यह थोड़े ठंडे नहीं हो जाते, इसको इसी तरह चलाते जाना है। चम्मच के भी छोटे चम्मच से निकाल के मखाने को डाल देना है और इसको लगातार चलाते जाना है, नहीं तो नीचे के साइड से ही चाशनी जमा हो जाती है, तो नीचे के मखाने ज़्यादा मीठे हो जाएंगे और ऊपर के थोड़े फिक्के रहेंगे, इसलिए इसको लगातार नीचे ऊपर करते जाना है। इस तरह गुड़ के चाशनी को मखाने को पूरा कोट कर लेना है। इस तरह लगातार चलाने से यह थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और एक दूसरे को भी नहीं चिपकेगा। आप देख सकते हैं चाशनी पूरी तरह सूख गई है और यह थोड़ा ठंडा भी हो गया है। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, जैसे ही हम इसको हाथ में ले सके इस तरह हाथ में लेके एक एक मखाने अलग करना है, नहीं तो यह ऐसे एक दूसरे को चिपक जाते हैं। तो हम इस तरह एक एक मखाने अलग करके थाली में या फिर प्लेट में रख सकते हैं। इस तरह के स्वीट मखाने बना के आप बच्चों को चॉकलेट बोल के भी दे सकते हैं, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मखाने और गुड़ दोनों भी हेल्दी है, तो यह टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी बहुत बनती है। बस इस तरह एक एक मखाने को निकाल के थाली में डालते जाना है। अगर नीचे से यह थोड़े कढ़ाई को चिपक गए तो कढ़ाई को गैस पर हल्का हल्का गर्म कर लेना है, तो यह आसानी से निकल जाता है। फिर से एक एक मखाना निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह पूरे मखाने को थाली में निकाल लिया है और अब इसको थोड़ी देर फैन के नीचे ठंडा होने देना है, उसके बाद ही आप इसको स्टोर करके रखिए। आप देख सकते हैं वाह, बढ़िया से हमारे क्रिस्पी वाले स्वीट मखाने तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाले क्रिस्पी मखाने यहाँ पर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको यह क्रिस्पी वाला स्वीट मखाना और मखाना नमकीन चूड़े का वीडियो कैसे लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह मखाना रेसिपी के वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करना था।